डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास. वेलकम टू द क्लास ऑफ अर्थ सर फिजिक्स, द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द फाइनेस्ट वे टू लर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिराइव्ड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड वी हैव सॉल्वड सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट. इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर, वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. That will be distance traveled in nth second of uniformly accelerated motion. Okay, so before going for the derivation of this, let me go for a concept example. देखिए, पहले मैं आपको ये concept समझाता हूं using an example. Suppose this is the building, okay. At the top of the building, suppose we are going to drop an object here. यहां से हम किसी object को drop करते हैं and at time t equal to 0 seconds, okay, the object will start its journey from this position, okay. Initially the object will be at rest. Initial velocity will be 0, याद रखिए, initial velocity u will be 0, okay. So at t equal to 0, the object he is here, and suppose at t equal to 1 second, the object is here, and then it goes downwards like this, and at t equal to 2 seconds, the object is here, and then at t equal to 3 seconds, the object is here. Okay, so best example है, suppose at the top of the building हम किसी object को drop करते हैं यहां से, okay, and it covers the distance from this point to that point. Suppose at t equal to 0 seconds, the object is here, t equal to 1 second, 2 second and 3 second. अगर मैं आपसे पूछूं, find the distance covered in third second, find the distance covered in third second. Okay, if I will tell you find the distance covered in third second, देखिए distance के लिए जो equation हम use करते हैं, that is equation second, s equal to ut plus half of at square. So find the distance covered in third second. ओके, देखिए अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करके आंसर देखेंगे तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि यहां पे जो पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड, नॉट इन द थ्री सेकंड्स. देखिए अगर क्वेश्चन होगा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन थ्री सेकंड्स, तो थ्री सेकंड्स पे हम डायरेक्टली टी पे यहां पे थ्री पुट करते, ठीक है. बट हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड. देखिए थर्ड सेकंड, देखिए अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं S2 मानता हूं. सपोज ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ओके, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड्स, द डिस्टेंस इज से S2, ओके, मींस इन 2 सेकंड्स द बॉडी कवर्स S2 डिस्टेंस, एंड इन 3 सेकंड्स द बॉडी कवर्स S3 डिस्टेंस. 2 सेकंड्स में ये इतनी डिस्टेंस कवर करता है एंड 3 सेकंड्स में ये इतनी डिस्टेंस कवर करता है. तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड. थर्ड सेकंड मीन्स दिस वेरी डिस्टेंस, ओके, सो दैट मीन्स इफ यू विल गो फॉर दिस, दिस विल बी दिस वेरी पार्ट, ये थर्ड सेकंड का डिस्टेंस होगा, ओके, और ये कैसे निकलेगा, दिस विल बी सिंपल, दिस टोटल डिस्टेंस दैट इज एस एन, ये टोटल डिस्टेंस क्या है एस एन, सॉरी एस थ्री, एस थ्री इन थर्ड सेकंड, इन 3 सेकंड्स, एंड ये दिस माइनस दिस विल बी दिस डिस्टेंस, ओके, दिस इज एस थ्री माइनस एस टू, ओके, और इस एस थ्री माइनस एस टू को हम डेल्टा एस थ्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस मीन्स इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड, ओके, इट इज एस थ्री, एस थ्री इज द डिस्टेंस इन 3 सेकंड्स माइनस एस टू इज द डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड,
ओके देखिए अब आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, यू हैव द इक्वेशन एज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस थ्री के बदले देखो यू इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो इंटू टी, देखिए टी यहाँ पे तीन सेकेंड तो हम थ्री लिख सकते हैं, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ए जो यहाँ पे है ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। Here we can use the downward acceleration as acceleration due to gravity. और याद रखिए उसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू मेक दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल वी टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो s3 देखिए ut टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू के बदले इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टी के बदले 3 सेकंड्स, ओके प्लस हाफ ऑफ ए, ए के बदले हम लिख सकते हैं 10, ओके एंड टी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। तो ये बनता है s3 माइनस s2 की बात करते हैं, s2 इट्स अगेन ut, u इज 0, t इज टाइम इज 2 हियर, प्लस हाफ ऑफ ए, ए इज अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज 10, ओके टी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। देखिए ये 0 इंटू 3 खत्म होगा, 0 इंटू 2 खत्म होगा, तो यहां पे बचेगा 2 1 हजार 2 5 हजार, ओके तो ये बनेगा 5 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस ये 2 5 हजार 5 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। देखिए 5 9 हजार इज 45 माइनस 5 4 हजार इज 20, 45 माइनस 20 इज 25 मीटर। तो याद रखिए अगर आप इस थर्ड सेकंड की बात करोगे द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड इट कम्स टू बी 25 मीटर। देखिए थर्ड सेकंड ये वाला पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, ओके इसको कैसे निकालते हैं, s3 डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स दैट इज s3 माइनस s2, ओके फिर हमें पता होता है हाउ टू गेट द डिस्टेंस, ओके दैट इज ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ओके तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके देखिए सो आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आया होगा हाउ टू गेट द डिस्टेंस फॉर nth सेकंड। ओके तो ये हमने कॉन्सेप्ट एग्जांपल लिया था, अब हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ओके फिर हम वो इक्वेशन डायरेक्टली यूज करके हम देख सकते हैं फॉर एनी सेकेंड nth सेकेंड, ओके या 10th सेकेंड या 9th सेकेंड आप वो देख सकते हो न्यूमेरिकल्स में, वो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। देखिए वी विल टेक सपोज जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u और यहां पे u क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ओके देखिए लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a जो है a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके इससे पहले हमने t इक्वल टू 3 सेकंड और t इक्वल टू 2 सेकंड कंपेयर किया था। ओके फॉर nth सेकंड आई विल टेक सपोज ये जो एस एन है ना, थ्री के बदले मैं रिप्लेस करता हूं एन, ओके आई विल टेक एस एन इज द डिस्टेंस, एस एन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एन सेकेंड्स, एस एन इज द डिस्टेंस कवर्ड इन बाय ऑब्जेक्ट इन एन सेकेंड्स। ओके और दूसरा जो होगा इससे पहले ये 3 था, ये था 3 माइनस 1 दैट वाज 2, ओके अब अगर ये Sn है तो ये क्या होगा Sn माइनस 1, मीन्स अगर ये S3 था दिस विल बी S3 माइनस 2 इज S2, 3 माइनस 1 इज S2, ओके दिस विल बी Sn डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन n सेकंड्स, Sn माइनस 1 विल बी द डिस्टेंस, Sn माइनस 1 आई विल नोट हियर इट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड by object in n minus 1 seconds, n minus 1 seconds means Sn is the distance covered
by the object in n seconds and as n minus 1 is the distance covered by the object in n minus 1 seconds. Okay, then if we'll go for s nth will be, s nth yaad rakhiye, this will be distance covered by the object, distance covered by the object in nth second. ओके okay? और ये nth सेकंड कौन होगा, अगर ये sn है, ये sn माइनस वन है और ये जो है दिस विल बी snth, याद रखिए दिस विल बी snth, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड. ओके ये टाइम आप मिटा सकते हो अभी यहां पे. ओके तो अगर ये sn है, ये sn माइनस वन है, दिस विल बी snth. इसी snth का डेरिवेशन हमें यहां पे चाहिए. ओके देखिए यहां पे तो ये आप नोट कर सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे इसके. देखिए अब हमारे पास एस nth का इक्वेशन चाहिए. देखिए इससे पहले हमने एस थ्री लिया था और ये एस टू, हमने बोला था ये जो एस, ये जो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस थी दैट वाज एस थ्री माइनस एस टू. अब एस nth की जब हम बात करेंगे दिस विल बी एस एन माइनस एस एन माइनस वन. ओके देयरफॉर मैं लिख सकता हूं द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड इज दैट इज एस nth, याद रखिए इट इज एस nth इक्वल टू एस एन माइनस वन. ओके मीन्स दिस विल बी एस एन माइनस वन. ओके देखिए s के लिए जो हमारी इक्वेशन है s इज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, s इज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर. ओके देखिए फॉर n सेकंड टाइम विल बी एन. ओके फॉर एन सेकेंड्स टाइम विल बी एन, फॉर एन माइनस वन सेकेंड्स टाइम विल बी एन माइनस वन. ये पॉइंट याद रखिए बिकॉज ये जो एस एन है ये डिस्टेंस है इन एन सेकेंड्स, तो टी के बदले एन लिखेंगे. ओके ये जो एस एन माइनस वन है ये भी डिस्टेंस है फॉर एन माइनस वन सेकेंड्स, तो टी के बदले लिखेंगे एन माइनस वन. तो ये जो एस एन था आएगा, याद रखिए एस एन विल बी इक्वल टू, देखिए यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, एस एन के बदले आएगा यू, t के बदले क्या है n माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, ए इज एक्सेलरेशन. ओके एंड t के बदले n स्क्वेयर आएगा, मीन्स यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, यू इज यू, t के बदले n है प्लस हाफ ऑफ ए टी के बदले n, मीन्स यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, तो ये बनेगा यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर माइनस. देखिए ये वाला जो टर्म है एस एन माइनस वन, यहां पे भी यू टी, टी के बदले क्या है n माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए टी स्क्वेयर के बदले क्या है एन माइनस वन होल स्क्वेयर. एक में टाइम एन है, दूसरे में टाइम क्या है एन माइनस वन. ओके एक में टाइम एन है, दूसरे में टाइम एन माइनस वन. ठीक है तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो एस एन थे का इक्वेशन आएगा, यू एन यहीं पे है, यू एन यहीं पे है प्लस देखिए हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर भी यहीं पे है माइनस. देखिए यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए u इंटू एन इज यू एन माइनस यू इंटू वन इज यू प्लस हाफ ऑफ a बाहरी है. देखिए यहां पे a माइनस बी होल स्क्वेयर बनाइए, दिस विल बी n माइनस वन होल स्क्वेयर दैट इज n स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर माइनस टू ए बी दैट इज टू एन. ओके ब्रैकेट क्लोज कीजिए. ओके डायग्राम को हम मिटा सकते हैं यहां से. So this will be u n plus half of a n square, okay, minus bracket I say plural rakhiye, it is u n minus u plus half of, dekhiye ab ye multiple kijiye, half of a n square aayega, half of a n square aayega plus half of a into 1, it is half of a, okay, minus, okay, 2n. 2 and 2 will cancel, it is minus a n, yaad rakhiye this will be minus a n, 2 and 2 will cancel, plus into minus is minus, a into n is a. Okay so this will be s nth will be u n plus half of a n square. Okay ab is minus se multiple kijiye, it is minus u n, minus into minus is plus, it is u, minus into plus is minus half of a n square, minus into plus is minus half of a, minus into minus is plus a n. Okay so u n cancels, okay half of a n square, half of a n square ye bhi cancel hua, to yahan pe bacha jo s nth ka equation aa raha hai,
एस एंथ इट इज इक्वल टू यहां पे u बचा ओके एंड प्लस ए एन माइनस हाफ ऑफ a u u प्लस ए एन माइनस हाफ ऑफ a ओके देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u ऐसे ही प्लस देखिए a को बाहर निकाल के यहां पे भी a कॉमन आएगा यहां पे बचेगा n माइनस वन बाई टू एन माइनस वन बाई टू या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं देखिए एस एंथ का जो इक्वेशन आएगा एस एंथ यू यहां पे है इनिशियल वेलोसिटी ए बाहरी है ओके देखिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए टू इंटू एन इज ट्वाइस एन माइनस वन आएगा डिवाइडेड बाई टू ओके या हम इसको एस एंथ को ऐसे भी लिख सकते हैं यू प्लस ये टू डिवाइड है और ये बाहर आके a बाई टू बनेगा इंटू टू एन माइनस वन सो दिस इक्वेशन वी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड हियर एस nth इज u विच इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड n इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स ओके तो ये पॉइंट आप याद रखिए एंड दिस इक्वेशन वी यूज इन न्यूमेरिकल्स ओके तो याद रखिए ये आप नोट करिए तो इससे पहले जो हमने पहले वो कॉन्सेप्ट एग्जांपल लिया था वहां पे हमने देखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकंड और आपको अगर याद है डेल्टा एस थ्री निकला था वहां पे एस थ्री माइनस एस टू इसका वैल्यू जो आया था दैट वाज 25 मीटर्स ओके अब अगर ये इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे हम डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं देखिए एस एंथ के बदले हम लिख सकते हैं थर्ड सेकंड में एस थ्री एस एंथ के बदले क्या आएगा एस थ्री इज इक्वल देखिए इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो यू वाज जीरो बिकॉज जहां से हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था वहां की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जीरो प्लस ए ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मैंने क्या बोला था जी का वैल्यू जो होता है इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बट टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल वी टेक दिस जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यू के बदले जीरो ए के बदले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 10 डिवाइडेड बाई टू इंटू टू एन एन इज द डिस्टेंस फॉर थर्ड सेकंड वहां पे 3 है वैल्यू तो n के बदले क्या आएगा 3 माइनस 1 सो इट इज 10 बाई 2 इज 5 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 1 इज ओके 5 इंटू 6 माइनस 1 इज एंड 5 इंटू 5 इज 25 मीटर्स तो यहां पे भी 25 मीटर आया था और यहां से भी जो वैल्यू आया दैट इज 25 मीटर्स ओके सो ये वाला इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं टू गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर nth सेकंड आप ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओके नोट कीजिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए ये इट इज यू प्लस ए बाई टू इंटू ट्वाइस एन माइनस वन ओके नोट कीजिए सो वी हैव डिस्कस्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड वी गॉट द इक्वेशन फॉर that as nth equal to u plus a by 2 into twice n minus 1 okay isi concept pe ek numerical maine yahan pe rakha hai aur ye numerical hai a particle having initial velocity 5 meter per second to yahan pe jo u hai wo hai 5 meter per second moves with a constant acceleration jo yahan pe uniform acceleration a hai it is 2 meter per second square for a time of 10 seconds so t is 10 seconds along a straight line find the displacement of the particle means hame s chahiye okay in the last 1 second and the total distance traveled in 10 seconds dekhiye do concepts yahan pe hai okay displacement ke liye jo equation hamare paas hai equation second equation of motion s equal to ut plus half of at square बट यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना पहले आपको देखिए यहां पे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड ओके ये जो लास्ट 1 सेकंड हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
फॉर ए टाइम ऑफ 10 seconds, जो ये पूरा टाइम इंटरवल है ना, ये 10 seconds का टाइम इंटरवल है, और आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 second. लास्ट 1 second की बात अगर करेंगे ना, वो होगा 10th second. और अगर आपको पहला पॉइंट समझ आया होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 second, या उसको बोल सकते हैं 10th second. और व्हेन यू गो फॉर द 10th second, हम ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. और इसके लिए जो इक्वेशन है वो हमने अभी डिराइव की थी, एस एन दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू ट्वाइस एन माइनस वन. तो पहले पार्ट के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. और देखो सेकंड पार्ट, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 seconds. टोटल डिस्टेंस मीन्स आपको एस निकालना है, और यहां पे 10 second टाइम है, यू विल डायरेक्टली यूज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. तो पहले में एस एन यूज करना है, और दूसरे में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यूज करना है. देखिए पहले देखते हैं गिवन क्या है. The given condition we have here, initial velocity u, it is 5 meter per second. Okay, acceleration a, it is 2 meter per second square, and time interval is 10 seconds. तो पहले हमें क्या चाहिए? We are supposed to find out the displacement of the particle in the last 1 second, and that would be simply 10th second. तो हमें s 10 निकालना है, s 10. Okay, एक हमें s 10 चाहिए, एंड सेकेंड हमें s चाहिए द टोटल डिस्टेंस. देखिए पहले s 10 के लिए ना हमारे पास जो इक्वेशन होता है s nth और nth सेकेंड, इट इज u प्लस a बाई टू इंटू ट्वाइस एन माइनस वन. देयरफॉर s 10 की जब हम बात करेंगे और 10th second, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इट इज 5 प्लस a, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस. देखो n क्या है, 10, n इज हियर द डिस्टेंस फॉर n सेकंड्स. ओके, तो यहां पे n का वैल्यू क्या है, 10, 2 इंटू 10 माइनस 1. ओके, सो s 10 का जो वैल्यू आएगा 5, 2 एंड 2 विल कैंसिल, प्लस 2 इंटू 10 इज 20 माइनस 1. ओके, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, s 10 विल बी इक्वल टू, याद रखिए 5 प्लस 20 माइनस 1 इज 19, एंड एस 10 का जो वैल्यू आ रहा है 5 प्लस 19 इज 24 मीटर. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 second इज 24 मीटर्स. ओके, लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट, टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 seconds. तो यहां पे आप डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो. सो सेकंड पार्ट के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अभी हमने देखा इट इज 5 एंड टी इज हियर 10 फॉर 10 seconds, इन 10 seconds. ओके, प्लस हाफ ए इज हियर 2 एंड टी इज 10 स्क्वायर आएगा. देखिए 5 × 10 = 50, 2 and 2 विल कैंसिल, प्लस 10 square is 100. ओके, सो 100 प्लस 10 सॉरी 50 इज 150 meters. मीन्स टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 150 meters. ओके, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 10th second या लास्ट सेकंड इज 24 meters. ओके, नोट कीजिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, नोट कीजिए. सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन. A body covers 12 meter in second. A body covers 12 meter in second second and 20 meter in fourth second. How much distance will be covered by it in 4 seconds after 5th second? Question. पहले समझिए. A body covers 12 meter in second second. देखिए. बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड सेकंड, जो यहां पे एस टू है, सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज 12 मीटर, एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड, जो एस फोर है इट इज 20 मीटर. देखो क्या पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय इट इन 4 seconds. 4 seconds में कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी,
आफ्टर फिफ्थ सेकंड के बाद, ओके वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहां पे S2 और S4 का इक्वेशन देखते हैं। देखिए nth सेकंड के लिए जो हमारी इक्वेशन है, इट इज u प्लस a बाई टू इंटू ट्वाइस n माइनस वन, याद रखिए। तो जब आप S2 की बात करोगे देयरफॉर S2 की जब हम बात करेंगे, ओके S2 की बात करेंगे तो ये दिस विल बी u प्लस a बाई टू ओके इंटू टू n, n के बदले क्या आएगा, n इज द सेकंड, ओके इट इज टू सेकंड, ओके n के बदले आएगा टू, ओके माइनस वन, दिस विल बी S2 विल बी इक्वल टू, देखिए u प्लस a बाई टू, टू टू आर फोर, फोर माइनस वन इज थ्री, वी कैन डायरेक्ट राइट इट इज थ्री ए बाई टू, इट इज थ्री ए बाई टू। तो याद रखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे, देखिए S2 विल बी u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, यू ऐसे ही ए बाई टू ऐसे ही, टू ऐसे ही, एन के बदले यहां पे टू सेकंड्स, ओके एन टू एन, टू के बदले एन के बदले टू माइनस वन, टू टू आर फोर माइनस वन, इट इज थ्री ए बाई टू, ओके एंड सेकंड देखिए ऑल्सो जब हम एस फोर की बात करेंगे, सॉरी यहां पे आप ये वाला सेकंड नहीं रखिएगा, देखिए S2 का वैल्यू वहां से गिवन है, S2 इज 12 मीटर्स, इंप्लाइज S2 के बदले हम 12 लिख सकते हैं, इट इज u प्लस 3a बाय 2, ये वाला इक्वेशन आप इक्वेशन फर्स्ट नोट कीजिए, ओके u प्लस 3a बाय 2 इक्वल टू 12। ऑल्सो हम फोर्थ सेकंड की बात करते हैं तो उसमें S4 जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू, S4 का वैल्यू 20 मीटर्स है, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए u प्लस a बाय 2 ऐसे ही, u प्लस ए बाई टू ऐसे इंटू टू एन के बदले, देखो एन के बदले क्या आएगा फोर माइनस वन, दिस विल बी एस फोर इक्वल टू, देखिए यू ऐसे ही प्लस ए बाई टू ऐसे ही, ओके टू फोर इज आर एट, एट माइनस वन इज इट इज सेवन, याद रखिए इट इज सेवन ए बाई टू। तो एस फोर का वैल्यू देखिए वहीं से गिवन है, इट इज 20, एस फोर इज 20, इट इज यू प्लस सेवन ए बाई टू। देखिए दो इक्वेशन हमें मिल रहे हैं, एक में इक्वेशन फर्स्ट में 12 इक्वल टू यू प्लस 3 ए बाई टू, इक्वेशन सेकंड में 20 इक्वल टू यू प्लस 7 ए बाई टू, ओके देखिए अगर हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, देखिए इजी है, एक टर्म तो इलिमिनेट करनी पड़ेगी चाहे u या चाहे a, देखिए अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, या सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है u प्लस सेवन ए बाई टू, ओके इज इक्वल टू 20, यू प्लस सेवन ए बाई टू इक्वल 20, और दूसरी इक्वेशन क्या है u प्लस 3 ए बाई टू इज इक्वल टू 12, ओके जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे देखो क्या मिलेगा, ये और ये खत्म होगा, ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा 7 ए बाई टू, हियर वी विल गेट 7 ए बाई टू माइनस ओके 3 ए बाई टू इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज 8, 20 माइनस 12 इज 8। तो यहां पे देखिए तो यहां पे 7 ए बाई टू बाहर निकालिए, ए बाई टू यहां पे भी, ए बाई टू यहां पे भी, ये बाहर आएगा, यहां पे बचेगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4, इट विल बी 4 ए बाई टू इज इक्वल टू 8, या 4 ए इक्वल टू ए टू इज 16, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 16 बाई 4, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें आया पहले, इट इज ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके अब ए का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू, देखिए ए का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ यू, देखिए अगर मैं यहां पे ए का वैल्यू पुट करूं, यहां पे आई विल राइट 20 इक्वल टू यू प्लस 7, ए के बाद लिखिए 4 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 2 वन इज आर 2 टू इज आर, सो यू विल बी इक्वल टू 20 माइनस 14, सो यू विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। तो दो वैल्यूज हमारे पास अब है, एक एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है यू इनिशियल वेलोसिटी, इट इज 16 मीटर पर सेकंड, ओके यहां तक नोट कीजिए।
So we have the two values. One is u 16 meter per second. Second is a acceleration. It is 4 meter per second square. देखिए पूछा गया क्या गया हमें. We have to find out the how much distance will be covered by it in 4 seconds. But after 5th second. देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Therefore the distance covered by it. In 4 seconds after 5th second is distance covered by it in 4 seconds after 5th second is distance covered by it in 4 4 seconds में 5th second के बाद 5 और 4 क्या बनेगा 9 that means this will be S9 okay minus distance covered in 9 seconds minus fifth that will be as 5 because we have to find out distance covered by it in 4 seconds after 5th second 5 second ke baad jo aur 4 seconds banenge 5 aur 4 kya banega 9 that will be s9 aur minus kya hoga fifth that is s5 okay dekhiye s ke liye kaun sa equation hai ut plus half of at square dono mein put kijiye get the value u ka value humne abhi dekha u is for a 6 meter per second यू शायद सिक्स निकला था यू सिक्स और एक्सेलरेशन क्या निकला था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू याद रखिए तो हम लिख सकते हैं एस नाइन के बदले देखो यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर यू इज सिक्स इट इज सिक्स टी इज 9 सेकंड तो इट इज 6 इंटू 9 ओके प्लस हाफ ऑफ ए इज 4 टी स्क्वायर इट इज 9 स्क्वायर याद रखिए माइनस S5 की बात करते हैं देखिए S5 U U is 6 T is 4 5th second 5 okay plus half of A is 4 T square is 5 square okay simplify कीजिए 9 6 is that what is it it is 54 okay plus देखिए 2 1 is that 2 2 is that 2 और 9 square क्या होगा 81 81 को 2 से मल्टीपल करने पे क्या मिलेगा 162 ओके माइनस 6 5 इज 30 2 1 इज 2 2 इज और 2 को 25 से तो ये बनेगा 50 देखिए 6 5 इज 30 2 2 इज और 2 ये 5 स्क्वायर 25 में 2 क्या बनेगा 50 देखिए 54 162 प्लस 54 4 2 हो गया 6 ओके 6 plus 5, 11, it is 260, minus, okay, 30 plus 50, it is 80, 30 plus 50 is 80, okay, so 216 को 80 से subtract कीजिए तो क्या बनेगा, देखिए 6 minus 0 is 6, okay, it is 11 minus 8, it is 3, 1, 136, So, जो ये डिस्टेंस आ रहा है इट इज 136 मीटर्स मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड्स आफ्टर 5th सेकंड इज 136 मीटर्स ओके नोट कीजिए पॉइंट